लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि हम किसी वायर को जब स्ट्रेच करते हैं तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है और उसके फॉर्मूले हमने कैलकुलेट किए। अब हम देखेंगे कि किसी वायर का रेजिस्टेंस जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो उसके रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। We know that resistance is equal to ML upon AN E square tau. अगर हम किसी कंडक्टिंग वायर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर दैट मीन्स इट इज ए हीट एनर्जी और वो हीट एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन हीट एनर्जी लेके उस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं और वो काइनेटिक एनर्जी जब हम देख रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होगी तो टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन डिक्रीज हो जाएगा और जब टाउ की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो हम इस फॉर्मूले में देख के ये बता सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन भी डिक्रीज हो गया है, इस वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। हम मानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो कोई कंडक्टिंग वायर है उसका रेजिस्टेंस आर नॉट है और 3 डिग्री सेल्सियस पर उस रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस इंक्रीज होके आर टी हो गया है। तो एक्सपेरिमेंटली हम ये देखते हैं कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल है इनिशियल रेजिस्टेंस के और चेंज इन टेम्परेचर प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन टेम्परेचर के, दैट इज टी माइनस। तो इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से मैं एक थर्ड इक्वेशन बनाऊंगा, वो होगी आर टी माइनस आर नॉट इज प्रोपोर्शनल टू आर नॉट टी। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए मुझे एक कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा, वो कॉन्स्टेंट होगा अल्फा। तो आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। अल्फा इज ए टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ कंडक्टिंग वायर एंड इट्स यूनिट इज पर डिग्री सेल्सियस। अगर हम अल्फा को डिफाइन करना चाहें तो अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू टी। इफ आर नॉट इज इक्वल टू 1 ओम एंड टी इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट, दैट इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस। तो हमें कह सकते हैं कि द टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग a resistance of 1 ohm on raising its temperature by 1 degree Celsius। अगर मैं किसी कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस और उसके टेम्परेचर में ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। मैं x एक्सिस पर टेम्परेचर को लेता हूँ जो डिग्री सेल्सियस में है और y एक्सिस पर रेजिस्टेंस को लिया है हमने, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस है वो आर नॉट है और इक्वेशन के थ्रू हम देखें तो इक्वेशन के अनुसार जो रेजिस्टेंस है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो हमने ये देखा कि अगर हम किसी कंडक्टिंग वायर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। अब हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी की, तो रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर के साथ वेरी करती है और इसकी वैल्यू भी टेम्परेचर को इंक्रीज करने के साथ साथ इंक्रीज होती है लीनियरली। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा रॉ टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी। यहां अल्फा फिर वही टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ स्पेसिफिक। अब हम अ वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम एट
273 केल्विन एंड ए रेजिस्टेंस ऑफ 2.5 ओम एट 373 केल्विन, व्हाट इज द टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ मेटेरियल। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इनिशियली टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू 273 केल्विन और इस टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है R1 इज इक्वल टू 2। अब हमने टेम्परेचर इंक्रीज करके 273 से 373 केल्विन कर दिया है और 373 केल्विन टेम्परेचर पर उसका रेजिस्टेंस हो गया है 2.5 ओम। हम जानते हैं कि R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस T2 माइनस T1, ये फार्मूला होता है। देन अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 T माइनस T2 माइनस T1, देन 2.5 माइनस 2 अपॉन 2, 373 माइनस 273, देन अल्फा इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10^-3 पर डिग्री सेल्सियस और 2.5 इंटू 10^-3 पर केल्विन।